मैं शिप पर नहीं हूँ निको। क्या मतलब शिप पर नहीं हो? कहाँ हो तुम? नहीं हो रहा मुझसे। हार मत मानना, प्रॉमिस करो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, मीको और मिया, और वे दोनों अपनी कंट्री स्पेन को छोड़कर एक दूसरे कंट्री आयरलैंड में जा रहे थे, पर वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि उनकी कंट्री में अकाल पड़ चुका था और खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी थी, और वहाँ की गवर्नमेंट ने शॉर्टेज को पूरा करने के लिए थैनोस का तरीका अपनाया और अपनी कंट्री में मौजूद औरतों और बच्चियों को मारने लगे ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और भूखमरी से बचा जा सके। और अब वे दोनों अपनी सरकार की पुलिस से बचते बचाते कंटेनर तक पहुंचते हैं, जहां उनसे पैसे लेकर एक शख्स उन्हें कंटेनर में डाल देता है। और वे लोग कंटेनर के अंदर थे, जहां और भी औरतें और बच्चियां थीं, जो कि उनके साथ स्पेन को छोड़ने वाले थे। और अब वो कपल अपने दूसरे बच्चे को चेक करता है, क्योंकि मीको को मियां से पता चलता है कि उसका बच्चा पिछले कुछ दिनों से कोख में हलचल नहीं कर रहा। और अब मियां वहां मौजूद एक दूसरे बच्चे को हंसता खेलता देखकर अपनी पहली बेटी की याद में रोने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये लग रहा था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और वो उसे छोड़कर यहाँ से जा रही है। पर मीको उसे हौसला रखने को कहता है, क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद उनका ट्रक रुकता है और उस कंटेनर में और भी लोग चढ़ने लगते हैं, पर उस कंटेनर में उतनी जगह नहीं होती और कुछ लोगों को दूसरे ट्रक में शिफ्ट करने के दरमियान मीको और मियां एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मियां यहाँ बहुत ही डर जाती है और वो मीको को कॉल करती है और मीको उसे हौसला दिलाता है और कहता है कि अगले स्टॉपेज पर ट्रक जैसे ही रुकेगी तो वो मियां को अपने साथ ले लेगा, पर तब तक उसे अपना ख्याल रखना होगा। और अब थोड़ी देर बाद उनका ट्रक बॉर्डर पर आखिरी चेकिंग के लिए रुकता है और वहाँ मौजूद वो ऑफिसर कुछ ज्यादा ही चालाक था और वो फौरन ही ये पता लगा लेता है कि कंटेनर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इलीगल तरीके से स्पेन को छोड़ रहे हैं, और वो स्पेन के सख्त ऑर्डर के तहत वहाँ मौजूद सारे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और उन्हें मार डालता है। पर मियां चालाकी से कंटेनर में रखे बॉक्स के ऊपर छुप जाती है और फिलहाल जिंदा थी, इस बात से अनजान कि अब उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर होने वाली थी। और अब प्लान के मुताबिक उनका कंटेनर शिप में लोड होकर रवाना होने के लिए तैयार था और मियां सोने की कोशिश करती है, पर शायद उसे ये पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी सुकून भरी नींद होने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो शिप जिसमें सारे लोग कंटेनर में बंद थे, वो समुद्र में एक तूफान के बीच फंस जाती है और गोते खाने लगती है, और इसी उथल पुथल के बीच मियां कंटेनर के अंदर इधर उधर फेंके जा रही थी और तभी एक जोरदार टक्कर के कारण मियां बेहोश हो जाती है। अगली सुबह मियां को होश आता है और उसे काफी जगहों पर चोटें भी आई थी, पर सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो खुद को समुद्र के बीचों बीच पाती है, क्योंकि उसका कंटेनर तूफान के झटकों के कारण शिप से नीचे गिर गया था। और अब मियां पूरी तरह से घबरा चुकी थी और वो फौरन ही अपने फोन को ढूंढने लगती है ताकि मीको को कॉल कर सके और मदद बुला सके, पर उसके फोन का स्क्रीन भी टूट चुका था। और अब मियां को वहां एक दूसरा फोन मिलता है जो कि उन मारे गए लोगों में से एक की थी, पर वो फोन भी लॉक था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आगे क्या करे और वो खुद को संभालती है और उस कंटेनर में पड़े सारे बॉक्सेस को खोलने लगती है ताकि उनमें से कोई यूजफुल सामान निकले जो उसके काम आ सके। और उसे पहले बॉक्स में बहुत सारे हेडफोन्स मिलते हैं, दूसरे बॉक्स में टी शर्ट, तीसरे बॉक्स में फुल HD वाले TV और चौथे बॉक्स में बियर की बोतल मिलती है। मियां को वहां नीचे एक कटर भी मिलता है और वो फौरन ही उसे उठा लेती है। और अब मियां उन सारे जरूरी सामानों को एक बैग में इकट्ठा करने लगती है जो कि उसके सर्वाइवल में काम आने वाले थे। और अब मियां सबसे पहले कंटेनर में सांस लेने के लिए बनाए गए होल्स को बंद करने लगती है ताकि पानी अंदर आना बंद हो सके। और तभी मियां को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है और वो अपने सामने उस कंटेनर को डूबता हुआ देखती है जिस कंटेनर में मीको था। और मियां को बहुत सारी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं और देखते ही देखते मियां की आंखों के सामने वो दूसरा कंटेनर समुद्र में डूब जाता है, क्योंकि अब मियां के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि वो घर से दूर समुद्र के बीचों बीच एक डूबते हुए कंटेनर में कैद थी जहां ना तो खाना था और ना ही पानी, और उसका पति मीको भी उसकी आंखों के सामने मारा गया था। और अब मियां अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो उस नाइफ से खुद की जान लेने वाली थी कि तभी उसके पेट में उसका बच्चा हलचल करता है। और अब मियां पल पल ऊपर वाले को कोस रही थी, क्योंकि जिंदगी ने मियां के सामने बहुत ही कड़े सवाल रख दिए थे जिसका जवाब शायद मियां के पास नहीं था। अगली सुबह मियां सबसे पहले कंटेनर में मौजूद पानी को बाहर निकालने का प्रयास करती है
और वहाँ मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करती है और कंटेनर में थोड़ी थोड़ी दूर में मार्किंग भी कर देती है ताकि पानी का लेवल खतरे के लिमिट से ऊपर ना जा सके। और अब मियाँ अपने पास मौजूद सारे सामानों को गौर से देखती है ताकि वो कुछ जुगाड़ लगा सके। और इतने में ही फोन बजता है और वो फोन मीको का था और हमें ये पता चलता है कि मीको उस दूसरे कंटेनर से रास्ते में ही उतर गया था और फिलहाल वो सेफ था। और अब मीको को मियाँ के बारे में पता चलता है और मीको फौरन ही मदद के इंतजाम में जुट जाता है। उधर फोन के कटते ही मियाँ का लेबर पेन भी शुरू हो जाता है और उधर बाहर एक बहुत ही जोर का तूफान भी उठ रहा था जो कि धीरे धीरे उसकी मुश्किलें और भी बढ़ाने वाला था। थोड़ी देर बाद मियाँ उस तूफान को झेलते हुए कंटेनर के अंदर एक बच्ची को जन्म देती है और ये सीन बहुत ही इमोशनल करने वाला था। अगली सुबह मियाँ खुद को और बच्ची को संभालती है और उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनाती है और थोड़ी देर के लिए ही सही उसे कुछ पल की खुशियाँ नसीब होती हैं। पर तभी उसकी नज़र फोन पर पड़ती है जो कि बारिश के पानी से भींग चुकी थी और खराब हो चुकी थी। और अब मियाँ इसे देखते ही बहुत ही दुखी हो जाती है और ऊपर से उसके खाने का स्टॉक भी खत्म हो रहा था। और मियाँ ये जानती थी कि अगर वो इस कंटेनर से बाहर नहीं निकली तो वो वैसे भी भूख और प्यास से मारी जाएगी। पर अब मियाँ हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और तभी उसकी नज़र सामने पड़ी ड्रिलिंग मशीन पर जाती है और वो उस ड्रिल मशीन से कंटेनर के ऊपर के छत को ड्रिल करके खोलने का प्लान बनाती है। और वो काफी हद तक कंटेनर के छत में एक खिड़की को काट चुकी थी पर तभी ड्रिलिंग मशीन की बैटरी डेड हो जाती है और एक बार फिर से मियाँ कमजोर पड़ने लगती है। और अब हेल्प के लिए मियाँ मीको को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका फोन खराब था और वो गुस्से में सारे सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है। पर इसी बीच उसे वो नाइफ नजर आती है और मियाँ उस नाइफ को लेकर उस कंटेनर को काटना शुरू कर देती है। पर ये काम इतना भी आसान नहीं था और कई जगहों से मियाँ के हाथ भी छिल जाते हैं और मियाँ के मन में थोड़ी देर के लिए आराम करने का ख्याल आता है और वो सो जाती है। पर खाली पेट नींद कहाँ आने वाली थी और मियाँ के पास खाने का स्टॉक भी खत्म हो चुका था। और अब मियाँ को ना चाहते हुए भी अपने डिलीवरी वेस्ट को ही खाना पड़ता है। और अब मियाँ को इस कंटेनर में पूरे 6 दिन बीत चुके थे और मियाँ फिर से उस खिड़की को काटने में लग जाती है। पर थोड़ी देर बाद उसका वो चाकू भी टूट जाता है और मियाँ एक बार फिर से निराश हो जाती है। मियाँ लगातार फोन पर भी नजर बनाए हुई थी ताकि मीको को कॉल कर सके पर खाली पेट मियाँ का दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था और उसे धीरे धीरे भ्रम भी आने लगते हैं। और इसी बीच मियाँ को उसकी पहली बेटी नजर आती है जो कि मियाँ को यहाँ से बाहर जाने को कह रही थी और मियाँ उससे माफी भी मांगती है क्योंकि मिलिट्री वाले जब उसकी बेटी को ले जा रहे थे तब मियाँ उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी और उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत की जिम्मेदार मियाँ खुद को मानती थी। और अब मियाँ के ख्यालों में उसका पति भी आता है जो कि उसे हौसला देता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते रहने को कहता है। और किस्मत अब थोड़ी मेहरबान होती है और मियाँ के चेहरे पर बारिश की बूंद पड़ती है और मियाँ की नींद खुलती है। और अब वो फौरन ही उन बारिश की बूंदों को कंटेनर में जमा करने लगती है और इसी दौरान मियाँ को फिर से एक आइडिया आता है और वो कंटेनर में पड़े कपड़ों को उठाती है और उस आधे कटे खिड़की में फंसाकर जोर से खींचती है। और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद मियाँ आखिरकार उस खिड़की को खोल ही लेती है और उसे पल भर के लिए सुकून मिलता है जब वो खुले आसमान को अपने आँखों के सामने देखती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मियाँ को भूख लगती है और उसके दिमाग में मछली पकड़ने का ख्याल आता है और वो वहाँ मौजूद कुछ सामान की मदद से एक औजार बनाती है। पर बहुत ही कोशिशों के बावजूद उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और भूख के मारे उसे चक्कर भी आने लगे थे और वो वहीं कंटेनर में लेट जाती है। और तभी उसे आसमान में एक प्लेन नजर आता है और वो भाग कर नीचे जाती है और टीवी को तोड़कर एक टुकड़ा बाहर लेकर आती है। पर इसी दौरान जल्दबाजी के चक्कर में वो खुद को जख्मी भी कर लेती है और ऊपर से वो प्लेन भी उसे नहीं देख पाता। और अब मियाँ अपने बहते हुए खून को रोकने के लिए उस टूटे हुए टीवी से एक नुकीली चीज निकालती है और कपड़े के धागे को लेकर अपने जख्मों को खुद से सीती है। और पिछले कुछ दिनों से मियाँ ने बहुत कुछ झेला था और ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं था। और अब मियाँ वहाँ मौजूद हेडफोन्स के तारों से एक जाल को बुनती है ताकि वो मछली पकड़ने के तरीके को बदल सके और कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार उसे मछली पकड़ने में कामयाबी मिली जाती है। और अब वो बड़े ही सुकून से एक जगह बैठकर अपना पेट भरती है। और अब मियाँ की जिंदगी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती है और देखते ही देखते 12 दिन बीत जाते हैं। और तभी अचानक से उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और मियाँ फौरन ही वहाँ पड़े बोतल में बियर और कपड़े के टुकड़ों को डालकर आग लगाती है ताकि उसकी बेटी को थोड़ी गर्मी मिल सके। और वे दोनों कंटेनर के छत पर सोने की कोशिश करते हैं पर इतनी तकलीफों के बीच मियाँ को नींद कहाँ आने वाली थी।
थोड़ी देर बाद मियाँ की नींद एक अनजान आवाज से खुल जाती है और वो देखती है कि कंटेनर में पानी मैक्सिमम लेवल तक भर चुका है और अब ये कंटेनर भी बहुत ही जल्द समुद्र में डूबने वाला था। और मियाँ फौरन ही कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है और सोचने लगती है कि वो आगे क्या करे, पर इतने में ही उसका फोन बजता है और मियाँ फौरन ही मीको का कॉल उठाती है। पर उसकी खुशी फौरन ही मातम में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि मीको को गोली लगी है और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और वे दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। और तभी फोन की बैटरी भी मियाँ की आखिरी उम्मीद के साथ डेड हो जाती है और अब मियाँ बिल्कुल भी अकेली थी। और देखते ही देखते 26 दिन बीत चुके थे और कंटेनर में पानी का लेवल मैक्सिमम लिमिट को भी पार कर चुका था और अब मियाँ आखिरकार उस कंटेनर को छोड़ने के लिए तैयार थी, पर उसे पता नहीं था कि बीच समुद्र में वो कहाँ तक जा पाएगी और कब तक जिंदा रह पाएगी। पर इतने में ही उसे अपने सामने एक पक्षी नजर आती है और इसका मतलब साफ था कि वे लोग जमीन के बहुत ही नजदीक थे और ये देखकर मियाँ बहुत ही खुश हो जाती है और आखिरकार उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। और अब उसी रात वो कंटेनर पूरी तरह से भर चुका था और मियाँ उस कंटेनर को छोड़ने के लिए तैयार थी, पर तभी उसे याद आता है कि उसने खाने का आखिरी डब्बा उस कंटेनर के अंदर ही छोड़ दिया है और वो फौरन ही उस डब्बे को लेने के लिए अंदर जाती है, पर बदकिस्मती से उसका पैर वहाँ पड़े रस्सियों में उलझ जाता है और इधर वो कंटेनर भी समुद्र में डूबने लगा था। और मियाँ बहुत ही कोशिश करती है उस रस्सी को काटने की और आखिरकार वो उस रस्सी को काट कर बाहर निकल ही आती है, पर इतनी देर में वो अपनी बेटी को खो देती है क्योंकि रात का समय था और उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी पानी में किस तरफ चली गई है और वो बस पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। और ठीक तभी हम एक वेल को देखते हैं जो कि उसके आसपास मंडरा रही थी और वो वेल उसकी बेटी के नजदीक जाती है और पानी के एक बौछार के कारण उसकी बेटी रोने लगती है और अब मियाँ अपनी बेटी की आवाज सुनती है और उसे ढूंढ लेती है और अब वे दोनों वो काली रात समुद्र में ही तैरते हुए बिताते हैं। और अब किस्मत भी मियाँ का काफी इम्तिहान ले चुकी थी और अब मियाँ को हमेशा के लिए सुकून मिलने वाला था और अब मियाँ अपनी बेटी से माफी मांगती है उसे बीच सफर में छोड़कर जाने के लिए, क्योंकि अब मियाँ के पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था और वो भूख और प्यास के कारण धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था क्योंकि पास में ही वहाँ एक मछुआरे का जहाज भी था जो उसे देख लेता है और वे लोग बच्ची को समुद्र से तैरते हुए बाहर निकालते हैं, पर उन्हें मियाँ की लाश कहीं भी नहीं मिलती। पर थोड़ी देर बाद वो मछुआरे उस छोटे से नाव से बंधी एक रस्सी को देखते हैं और उस रस्सी को खींचने पर उन लोगों को मियाँ भी मिल जाती है और अब वे लोग मियाँ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार मियाँ को होश आ ही जाता है और अब मियाँ होश में आते ही बस इधर उधर देखे जा रही थी क्योंकि उसे ये सब कुछ एक भ्रम लग रहा था, पर आखिरकार वो जिंदा थी और सुरक्षित थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है और मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इस फिल्म में हमने एक माँ को देखा जो काफी मुश्किलों को झेलती है और ऐसे माहौल में भी जिंदा बचकर निकलती है जहाँ शायद हम सोच कर ही मर जाते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।